बलरामपुर में आज के समय में हर व्यक्ति पढ़ लिख कर अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं मजबूत करना चाहता है। चाहे वह लड़के हो या लड़कियां, इनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, किंतु संसाधन की कमी या जागरूकता के न होने की वजह से कई लोग पढ़ाई लिखाई के बावजूद बिना नौकरी के अपने माँ बाप पर बोझ बने हुए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अंकलेश्वर तिवारी गर्ल्स इंटर कॉलेज तुलसीपुर में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक्सपर्ट के द्वारा छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए एवं धीरे धीरे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर कैसे बना जाए, यह सब शिक्षा दी गई। यह समारोह अखिलेश्वर तिवारी गर्ल्स इंटर कॉलेज एवं ब्राइट फ्यूचर कंपनी के युवा प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि श्री ओमीरा सिंह द्वारा संचालित किया गया। इस समारोह में श्री ओमेरा सिंह द्वारा किशोरियों को किस प्रकार अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आर्थिक तौर पर कुछ पैसे भी कमाया जाए, इस बारे में संबोधित किया गया। इस समारोह का मुख्य आकर्षण किस प्रकार छात्र छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ अपना छोटा छोटा रोजगार भी खोल सकती हैं और अपने लिए कमाई के जरिए बना सकती हैं, रहा इस समारोह का सबसे आकर्षक तथ्य। यह था कि समारोह को संचालित करने वाले श्री ओमेरा सिंह आशीष सिंह स्वयं सिर्फ 17 वर्षीय युवा हैं, जिन्होंने लखनऊ से अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद दूसरों की तरह बाहर न जाकर बसने की वजह अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश अपने क्षेत्र में वापस आकर लोगों को भी आगे बढ़ने का जिम्मा उठाया है। और जितना मैं जानता था मेरी दीदी लोग भी अगर यहाँ रहती तो वैसा डेवलप ना हो पाती, अदरवाइज आप एरिया देख सकते हो या फिर लोगों की मेंटेलिटी वैसी नहीं है कि किसी फीमेल को इतना डेवलप करना चाहें। कुछ एरिया अलग हैं बट ओवरऑल मैं देखूँ तो करीबन 70-60% ऐसे केसेस होते हैं यहाँ पे फीमेल को इतना डाउन मतलब इतना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। रियलिटी है, मेरा मोटिव यहाँ पे चीज़ आपको बतानी थी जो भी जरूरी होती है यहाँ पे चौपर अभी जैसे मैं बात करने जा रहा था बिजनेस यहाँ पे डेवलप करना चाह रहा हूँ, तो मोस्टली मैं अगर यहाँ पे आया हूँ तो किसी बेसिस पर आया हूँ और वो बेसिस क्या है कि जैसे अभी मैं डीफार्मा कर रहा हूँ तो उसमें मोस्टली चीज़ें बताई जा रही हैं कि एलोपैथी इज नॉट बेटर देन आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेदिक सेक्टर को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहता हूँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।